हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। करते हैं नई दिन की नई शुरुआत। तो हम सब बढ़िया हैं, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज के मौसम का हाल बेहाल है। आज है बागेश्वर में पूरी बारिश छाई हुई है। कल से बारिश है लगातार, तो आज भी बारिश है। तो अभी आए हम आशीर्वाद भवन में। हम लोग थे बीच में नवरात्र में, आपने सबने देखा होगा कि हम नवरात्रि पे, तो आज है यहाँ भोज का आयोजन। तो यहाँ भोज का आयोजन चल रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर चल रहा भोजन का आयोजन, तो सब लोग भोजन ले रहे हैं यहाँ पे। सब लोगों ने खाना खा लिया है। खाना खा के सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अब प्रसाद लेके जाएंगे। तो अभी हो रहा प्रसाद वितरण माता रानी का। भाभी ने ले लिया, मिल गया होगा मेरा, मेरे ले लिया। हाँ, भाभी का भी रख देना। भाभी रख दिया, रख दिया, रख दिया। तुमने मेरा ले रखा क्या दी? तुमने मेरा ले रखा, तो ये दो हो गए, एक को किसी को और को दे दो। मेरा ले लिया खुशी, तो इसको दे दो खुशबू का। हाँ हाँ, ना ना अभी तो कोई नहीं छूटा है अभी। ध्यान तो जितनी भी हमारी महिलाएं भजन मंडल माता रानी का भोजन प्रसाद ग्रहण करते जा रहे हैं सब लोग। और देखिए पूरे उस साइड को भैया लोग, सब लोग हैं, कार्यकर्ता जितने भी हमारे कमेटी के हैं, सब लोग उपस्थित हैं आज। तो दोस्तों, हमने कर लिया प्रसाद ग्रहण, अब हम लोग जाएंगे घर को। और बारिश आ रही है, और अभी अभी तो काफ़ी लोग आए हैं भोजन के। देखिए सब लोग प्रसाद ग्रहण करने के, काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो हम लोग को प्रसाद मिल गया, हम लोग चलते हैं घर को। तो आपको मिलेंगे मार्केट में, कुछ मार्केट का सामान वगैरह भी लेना है तो मार्केट में मिलते हैं आपसे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे वीडियो में। तो बारिश बाहर आ रही है, झमाझम बारिश, और बारिश से पूरा भरा पड़ा है नुमाइश मैदान, देखिए। और हम लोग बारिश में ही आए प्रसाद ग्रहण करने, क्योंकि माता रानी का प्रसाद ग्रहण करना बहुत जरूरी था। इतने दिन तक माता रानी के दरबार में हम लोग आए थे, कितना अच्छा समय हुआ हमारे साथ है। अरे अरे, बैठो 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 बैठो, अपनी अपनी प्रतिक्रिया बताओ, कैसा हमको इस बार कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, कितना अच्छा हुआ ना हमारा इस बार ना। बहुत अच्छा हुआ, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं ना। वैसे जिस बार मतलब आने को तो हम हर बार आते थे माता रानी को, तो रोज ही आने, थोड़ा कभी नहीं आयोजन किया जाए। हम हर साल आते थे, पर जो इस बार हमें मौका मिला, इस बार हमें मौका मिला जो राधा रानी है ना, हमको इस बार मौका मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माता रानी, अगले साल और भी अच्छा मौका दी तो हम और भी अच्छा आयोजन करें। और अगली बार 25वीं देवी पूजा को 25 साल हो रहे हैं, तो हम सिल्वर जरूर मनाएंगे मनाएंगे। और माता रानी इस बार से हम अपने उसमें शामिल कर दिया, शामिल कर रखा है, तो हम अगले साल और भव्य रूप से मनाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश क्या है, माता रानी कोशिश करेगी हमको, क्योंकि माता रानी ने हमें इस दरबार में मौका दिया आने का। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ सामान खरीदने। क्या देख रहे हो? अरे दादा प्रणाम, ग्रीन वाला लो ना, ग्रीन वाला अच्छा लग रहा है, कोई सिंगल वाला पतला। हाँ तो उतना ही है तुमने। हाँ हाँ, तो बड़े वाले जो, तो दीदी देख रही है पिछौड़ा, शॉर्ट पिछौड़ा, लेकिन इतनी चौड़ाई कम है ना। हाँ तो इतनी तो शॉर्ट वाली तो हुए, फिर चौड़ा हो जाएगा, फिर तो वही आ गया वो पीछे।
फिर तो पिछड़ा आ गया ना, ये आजकल जो शॉर्ट शॉर्ट चले हैं फिर वो बहुत छोटा हो जाएगा ना। तो इस साइड को है टेलर जी, तो आपको दर्शन कराते हैं हम बीज भंडार, बीज लेने जा रहे हो। यहाँ है पार्लर, मैंने पहले का तो जो बोया था बारिश ने कर दिया खराब, अब दोबारा ले जा रहे हैं। दोबारा वाला बताने क्या होता है, चलो इधर ले जाओ बाहर बैठो। ये है बीज, मूली तो है बीज भंडार, यहाँ से लेना है बीज। बीज अलग भाभी क्या कह रही है सुनाओ भाभी, कूड़ादान है बोली। अच्छा उनको अंता देंगे कि मतलब गमला है वो ज्यादा है कभी 4 साल में इंसान वो सामने हो ये वो खानी नहीं भैया ये ये हमारी भागीरथी की सबसे महान किसान है। श्रावण की महीने में लहसुन लगाने वो गल गया है तो करवा चौथ आने वाला है, तो करवा चौथ के लिए सजने लगी हैं, दुकानें आ गई हैं, जो करवा चौथ की प्लेटें थाली वगैरह सब देखिए सब सजने लगी हैं दुकानें कॉस्मेटिक। चलो चलो नहीं यार आगे आगे, अरे हाँ हाँ वही याद आ रही तुम्हारे पहले की। तो हम पहुंच चुके खुशहाल की दुकान में, अब खुशहाल की दुकान से लेना हमने कुछ सामान। मैं कह रही हूँ इतना ना यहाँ से नहीं, तो ये सज गए हैं सब दुकान है, बहुत खूबसूरत सी दुकान है। हाँ हम यहीं से लेते हैं, चलो तो राधा भाभी देख रही है चश्मा, आंखें कमजोर हो गई है बस, तो अंकल जी से चश्मा देख रही हैं, अंकल जी दिखा रहे हैं चश्मा भाभी को, अच्छा लग रहा है चश्मा, ये भी अच्छा लग रहा है, पर ब्लैक ज्यादा अच्छा लग रहा है भाभी आपके फेस में, भाभी भाभी ब्लैक वाला अच्छा लग रहा, हाँ ये अच्छा लग रहा, ये बहुत मस्त लग रहा है, ये पापा वाला था चश्मा। डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है बस ऐसे ले जाओ बस। रेट क्या है इसके? और हम दे दे समझ ले जाए क्या बोल नहीं दे दे लगाओ ये दो मुझे ले जाओ आधा हफ्ता दिन तो कैसे पकड़ा हो पकड़ मैं बारिश में भी चैन नहीं है, बारिश में भी शॉपिंग में चैन नहीं है, तैयार नहीं भाई, तो बारिश से तेज है फिर भी देखे काला चश्मा लगा के नहीं तो हम तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब अपनी भागीरथी की सड़कों में, बारिश लगातार तेजी, हम मजा ले रहे हैं कि हद से बेहद पूरी खाए हैं, पेट में अड़ रहे हो भोज का भोज माता रानी, जहाँ पर जिसने दो खानी थी वहाँ चार खाई छह खाई पनीर, तो भोज का माता रानी के प्रसाद का आनंद लिया, और आज खाने शाम का भी ठेका कर लेते हैं, झोले में भी भर के तो शाम का भी ठेका हो गया। नहीं नहीं ये प्रसाद है, ये हमको माता रानी का प्रसाद मिला है यहाँ से। नीमा मैडम तो झोला तो भर के लाई हूँ भाई, नीमा मैडम नीमा मैडम तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पूरा मैं ही खा जाऊँ नीमा मैडम की घर की व्यवस्था भरना
भर दो थाली मेरी कमेटी वालों, अभी थाली नहीं जा, मेरी थाली खाली है, थाली ले जा, खाली देखो, थाली थाली लेके न जाऊंगी, थाली थाली भर दो मेरी, तो दोस्तों हम कर रहे हैं मजाक दीदी की थाली थी अष्टमी से वहीं पे, क्योंकि दीदी भूल गई थी, आज उनको याद आया कि मेरी थाली वहीं पे है, तो तब जाके हम मजाक कर रहे, भर दो थाली मेरी कमेटी वालों, मेरी थाली जाएगी ना खाली, तो हम लोग मजाक कर रहे हैं, थाली खाली, तो हम लोग कर रहे हैं मजाक। तो हम पहुँच गए हैं घर, तो बारिश लगातार चली हुई है कल से यहाँ पे, बारिश का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, कमेंट में जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे 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 राधे। मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।